हेलो फ्रेंड्स, जागृति इज वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उपवास रेसिपी शकरकंद की सूखी भाजी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम शकरकंद को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिए हैं। अभी हम इसको डंठल निकाल कर उसके छिलके निकाल लेंगे। तो देखो, इस तरह से छिलके निकाल लेंगे हम इसके, और इसे कुकर में 2 विसल आने तक पकने रख देंगे। 2 गिलास जितना पानी डालेंगे इसमें। दो विसल आने तक हम इसको पकाएंगे। फिर प्रेशर खत्म होने के बाद हम इसको खोल लेंगे। तो देखो, इस तरह से पके हुए चाहिए, एकदम गला हुआ नहीं चाहिए हमें। तो हमने कुकर में से निकाल लिए हैं। अभी हम इसको पीस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं धनिया पत्ते, लेमन का जूस, हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है, अखा जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक ग्रेट किया हुआ, टमाटर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, शक्कर, शकरकंद बॉईल किए हुए, तेल, कड़ी पत्ता, तज और लौंग। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल लिया है हमने। ऑयल हमारा गर्म होने के बाद हम इसमें तज और लौंग डाल देंगे। तज स्टिक ली है हमने। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना जीरा, अखा जीरा, कड़ी पत्ता जो हमने लिया है वो डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक हरी मिर्च बारीक चॉप कर ली थी हमने, एक ही अदरक का टुकड़ा लिया था और 1 बड़ा टमाटर। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। अभी इसमें मसाले करेंगे। नमक डाल दिया हमने, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, शक्कर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितनी, नींबू का रस 1 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर अच्छी तरह से पकने देंगे, टमाटर हमारे थोड़े से गल जाए तब तक। अभी हमने जो शकरकंद बॉईल करके लिए हैं वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से 1.5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। अच्छी तरह से मसाले जो है मिक्स हो जाए शकरकंद के साथ। फिर हम धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। फिर गरम गरम ही इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए आप।
शकरकंद की सूखी भाजी और अपने अनुभव हमें जागृत इस वेज फूड पे जरूर शेयर करें। बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।